हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी न्यू चैप्टर ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग सो इफ यू आर एन एमकॉम स्टूडेंट एमकॉम सेमेस्टर सेमिस्टर फोर में जो सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसमें टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग का और ये फाइनेंशियल प्लानिंग का जो चैप्टर है एक्चुअली नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग बट बेसिकली इसमें आपको बजट्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स एंड यू हैव ऑलरेडी लर्नड द चैप्टर ऑफ बजट इन द प्रीवियस एम कॉम पार्ट वन ऑल्सो जिसमें आपने कैश बजट सेल्स बजट प्रोडक्शन बजट फ्लेक्जिबल बजट वैसे टाइप के बजट्स के बारे में आपने ऑलरेडी सीखा है तो इस चैप्टर में आपको अलग अलग टाइप के बजट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि बजट बेसिकली कंपनी के लिए एक एंटीसिपेटेड इनकम एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर्स के बेसिस पे बनाया जाएगा और आज के सेशन में हम सीखेंगे अबाउट सेल्स बजट बिकॉज एवरी कंपनी के लिए सेल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जब तक उनके सेल्स अच्छी तरीके से नहीं होंगे उनकी प्रॉफिट्स जो है उनके प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग में जो सेल्स पार्ट है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो फाइनेंशियल प्लानिंग में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे सिंपल लॉजिक कि आपको ओवरऑल हमारे कंपनी के पर्स्पेक्टिव से जो भी बजट्स बनाने होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में जो है वो पूछे जाते हैं तो अगर हम सेल्स बजट की बात करें तो क्वेश्चन कैसे आता है सेल्स बजट का तो क्वेश्चन कैसे आता है सेल्स बजट का काफी सिंपल है सो मिस्टर भावेश मैन्युफैक्चर टू ब्रांड्स ऑफ बुक्स तो भावेश के पास दो ब्रांड्स है बुक्स के एक ब्रांड का नाम है ए वन और दूसरे ब्रांड का नाम है बी वन द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी हैज थ्री डिपार्टमेंट सो सेल्स डिपार्टमेंट के पास जो है वो तीन डिपार्टमेंट है ए वन में है डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट थ्री एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 2023 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दिया है सो ए वन में डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट थ्री सिमिलरली बी वन में भी हमारे पास तीन डिपार्टमेंट्स है डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट थ्री बहुत सिंपल है जितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है उतना ही छोटा इसका आंसर होने वाला है तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं ताकि आपको ओवरऑल कैलकुलेशन जो है वो समझ में आ जाए सेल्स प्राइस होने वाला है थ्री रूपीज हमारे ए वन के लिए और वन पॉइंट टू टू जीरो रहेगा हमारे ओवरऑल डिपार्टमेंट्स के लिए इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ठीक है ए में ए में हमारे पास होना होने वाला है थ्री रूपीज़ का एंड वन पॉइंट ट्वेंटी रहेगा हमारे बी के लिए तो कन्फ्यूज मत होना ए वन एंड बी वन इट इज एस्टिमेटेड दैट बाई सेल्स प्रमोशन द सेल ऑफ द बी वन विल इंक्रीज बाई वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो इनका जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है इसके बेसिस पे इनका जो बी वन प्रोडक्ट का सेल है दैट विल बी इंक्रीज बाई वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट बाई इंक्रीजिंग द एडवर्टाइजमेंट द सेल विल ऑल्सो इंक्रीज ऑफ बी वन टू फिफ्टी थाउजेंड तो एडवरटाइजमेंट की वजह से बी वन का सेल जो है वो फिफ्टी थाउजेंड से भी इंक्रीज कर जाएगा

देखो फॉर्मेट कैसा है बहुत ही सिंपल है फॉर्मेट है हमारा इसका हेडिंग में लिखूंगा अभी सेल्स बजट तो फॉर्मेट क्या रहेगा सेल्स बजट फॉर थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री दिस विल बी योर फॉर्मेट पर्टिकुलर्स ए वन में हमारे पास क्वांटिटी का एक कॉलम आएगा रुपीस का एक कॉलम आएगा ठीक है ए वन के लिए आपको याद रखना है रुपीस थ्री दिया है और B1 के लिए आपको क्या याद रखना है रुपीज वन पॉइंट ट्वेंटी दिया है देन फाइनली हम इसका टोटल जो है वो करने वाले हैं काफी सिंपल है एक एक चीज देखते हैं और लिखने का ट्राई करते हैं ज्यादा कैलकुलेटिव है नहीं बट आपको कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए ए वन तीन लाख है ठीक है ए वन डिपार्टमेंट वन थ्री लैक्स है तो चलो चलते हैं सीधा ए वन में मैं क्वांटिटी लिखता हूँ थ्री लैक्स तो यहाँ पे मैंने थ्री लैक्स लिख दिया अब हमें अमाउंट कैसे ढूंढना है ये अमाउंट कैसे ढूंढना है ये अमाउंट का कॉलम है ये कैसे ढूंढना है ए वन का रुपीस थ्री लैक्स को उसके रेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो थ्री लैक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा नाइन लैक्स ठीक है बहुत सिंपल चलो अभी बी वन में चलते हैं बी वन में चलते हैं ठीक है बी वन के लिए अगर हम देखें डिपार्टमेंट वन तो यहाँ पे दिया है फोर लैक्स लेकिन इधर कुछ एडजस्टमेंट डाला है कि सेल्स प्रमोशन की वजह से बी वन में वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड का क्या होने वाला है इंक्रीज होने वाला है तो बी वन में क्या होने वाला है वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड का इंक्रीज होने वाला है पहले आपका फोर लैक्स था और बाद में वन सेवेंटी फाइव थाउजेंड से अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आपका फिर कितना बन जाएगा क्वांटिटी यहाँ पे आपका बन जाएगा फाइव लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड ध्यान से नोट डाउन करके रखना फोर लाख रुपी फोर लाख क्वांटिटी पहले से था और बाद में आपका वन लैख सेवेंटी फाइव से इंक्रीज़ हो गया तो दैट विल बी फाइव लैख सेवेंटी फाइव रेट है आपका वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव लैख सेवेंटी फाइव को वन पॉइंट ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी सिक्स लैख नाइन्टी थाउजेंड ठीक है बहुत सिंपल है तो अभी आप आपको करना क्या है ये नाइन लैक्स का जो अमाउंट कॉलम है नाइन लैक्स और सिक्स लैख नाइनटी ये दोनों को आपको ऐड कर देना है तो ये आपको अमाउंट मिल जाएगा यहाँ पे टोटल कॉलम में दैट विल बी फिफ्टीन लैक्स नाइनटी थाउजेंड तो हैव डन विद द फर्स्ट डिपार्टमेंट एंड आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू इट्स वेरी सिंपल आई हैव रिटर्न फ्रॉम द क्वेश्चन एंड जस्ट मल्टीप्लाइड अबाउट द रेट विच वॉज गिवन तो हमारे पास जो रेट्स थे उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करके ढूंढ लिया है क्वांटिटी भी आ चुका है अमाउंट भी आ चुका है चलते हैं सीधे अभी डिपार्टमेंट बी के पास तो डिपार्टमेंट बी मतलब डिपार्टमेंट टू तो डिपार्टमेंट टू अगर देखे हम तो फर्स्ट वाले का कितना है फाइव लैख सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड लेकिन इस पर भी एक एडजस्टमेंट डाला है एडजस्टमेंट क्या है देखते देखो इट इज़ एग्री टू इंक्रीज बोथ दी एस्टिमेट्स डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट टू इट इज़ एग्री टू इंक्रीज बोथ द एस्टिमेट्स बाय ट्वेंटी परसेंट तो एग्रीगेट ट्वेंटी परसेंट से इंक्रीज होने वाला है तो अभी देखो कितना है आपका फाइव लैख सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड है डिपार्टमेंट टू uh, का तो हम करेंगे क्या बहुत सिंपल है फाइव लैख सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ले लो और उसमें आप बीस परसेंट प्लस कर देना तो बीस परसेंट अगर आप प्लस कर दोगे तो आपको सेकेंड का जो डिपार्टमेंट टू है इधर वैल्यू आ जाएगा सिक्स लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड बीस परसेंट हमने ऐड किया है सिमिलरली सिक्स लैख ट्वेंटी फाइव थाउज सिक्स लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड को थ्री से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ की वैल्यू आ जाएगी अमाउंट की ट्वेंटी लैक्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो दैट विल बी वाई अमाउंट तो अस मूव टूअर्ड द नेक्स्ट पॉइंट हम अभी सेकेंड में जाते हैं सेकेंड में कितना है छः लाख ,00 है तो क्या करेंगे छः लाख बीस परसेंट प्लस कर देंगे तो छः लाख ,00 में बीस परसेंट अगर आप प्लस करोगे तो आपको यहाँ की क्वांटिटी आ जाएगी सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड एंड फिर क्या करना है सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड को वन पॉइंट ट्वेंटी से आपको मल्टीप्लाई करना है तो यू विल बी गेटिंग दी आंसर ओवर हीयर एट लाख सिक्सटी फोर थाउजेंड फिर आपको ये ट्वेंटी लैक्स ट्वेंटी फाइव और एट सिक्सटी फोर दोनों को प्लस कर देना है तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा ट्वेंटी एट लाख एट्टी नाइन थाउजेंड दैट मिल बी योर टोटल तो वी एव डन विद द पॉइंट लेट अस मूव टूवर्ड्स द सेम डिपार्टमेंट थ्री में जाते हैं सीधा तो डिपार्टमेंट थ्री क्या बोलता है देखते हैं डिपार्टमेंट थ्री फर्स्ट का वन लैक एटी है और सेकेंड का जो है आपका ट्वेंटी थाउजेंड है लेकिन सेकेंड में आपको याद रखना है फिफ्टी uh, थाउजेंड से जो है वो बी वन में इंक्रीज हो रहा है देखो यहाँ पे सेल विल ऑल्सो इंक्रीज ऑफ बी वन बाई फिफ्टी थाउजेंड तो हम अभी पहले काम कर लेते हैं ए वन का वन लैख एटी एज इट इज़ लिख देते हैं थोड़ा स्लाइटली पढ़ते पढ़ते सॉल्व करना वरना कन्फ्यूज हो जाएगा कि एक भी डेटा इधर उधर हो गया तो रॉन्ग हो सकता है वन लैख एटी थाउजेंड वन लैक एटी थाउजेंड को आपको थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो येटिंग दिस प्रोडक्ट या अमाउंट एज फाइव लैक्स फोर्टी थाउजेंड तो दैट ऑल्सो हैव प्रेजेंटेड बी वन में क्वान्टिटी कितनी थी बी वन में क्वान्टिटी आपकी ट्वेंटी थाउजेंड थी डिपार्टमेंट थ्री के लिए और ये पचास हजार से बी वन इंक्रीज हो रहा है तो ट्वेंटी प्लस फिफ्टी तो ये आपका बन जाएगा बी वन सेवेंटी थाउजेंड तो सेवेंटी थाउजेंड इधर बी वन बन गया और इसका रेट है वन पॉइंट ट्वेंटी का तो सेवेंटी थाउजेंड को वन पॉइंट ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आंसर जो है वो एटी फोर थाउजेंड आ जाएगा सेवेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई वन पॉइंट ट्वेंटी तो एटी फोर थाउजेंड एंड दिस एटी फोर थाउजेंड एंड फाइव लैख फोर्टी थाउजेंड तो दैट विल बी योर टोटल कॉलम सिक्स लैक्स ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो दिस विल बी योर पॉइंट दैट ऑल्सो वी हैव डन विद तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ योर डिपार्टमेंट वन टू थ्री अभी आपको सिंपल काम करना है जितने भी कॉलम्स लिखे उसको टोटल करते जाना है तो क्वांटिटी का फर्स्ट का आपका टोटल आ जाएगा इलेवन लैक फिफ्टी फाइव थाउजेंड दैट विल बी योर टोटल ऑफ दिस ए वन फिर यहाँ पे जो सेकंड है यहाँ पे भी आपको टोटल आएगा थर्टी फोर लाख सिक्सटी फाइव थाउज़ेंड का यहाँ पे टोटल आ जाएगा यहाँ पे फाइव लैख सेवेंटी फाइव सेवन लाख ट्वेंटी और सेवेंटी थाउजेंड तो यहाँ पे आपका टोटल आएगा थर्टीन लाख सिक्सटी फाइव थाउज़ेंड यहाँ पे आपका टोटल आएगा सिक्सटीन लाख थर्टी एट थाउज़ेंड और ये टोटल कॉलम का टोटल आ जाएगा फिफ्टी वन लाख थ्री थाउज़ेंड दिस मच यू हर टू सोल्व आई होप कि दिस सेल्स बजट का क्वेश्चन इज क्लियर टू यू सो इस तरीके से हमें सेल्स बजट को सॉल्व करना है तो सेल्स बजट के क्वेश्चंस और भी टाइप है इसमें वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे पहले सेल्स बजट का फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए बिकॉज आपको एमकॉम के रिलेटेड वीडियोस टीवाई से रिलेटेड वीडियोस टैक्सेशन कॉस्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सारे सारे वीडियोस आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे जिसके बेसिस पर आप लास्ट मिनट में रिवाइज करके जा सकते हो और अपनी एग्जाम अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में टिल देन बाय बाय टेक केयर